ग्वालियर में एक शादी समारोह में गहनों से भरा बैग चोरी होने का मामला सामने आया। चोरी की घटना मैरिज गार्डन में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसमें सूट बूट पहने एक बच्चा चोर स्टेज के पास पहुंचता है, दूल्हे की मां का बैग चोरी कर ले जाता है। वारदात उस समय की गई जब दूल्हे की मां बैग चेयर पर छोड़कर बहू बेटा के साथ फोटो खिंचाने पहुंची। बताया जा रहा है कि बैग में नकदी समेत करीब 3.5 लाख के गहने थे। घटना 2 दिन पहले संगम गार्डन की है। चोरी का जब पता लगा तो पुलिस ने छानबीन की। गार्डन में लगे सीसीटीवी कैमरे में बच्चा चोर की पूरी हरकत कैद हो गई। सीसीटीवी कैमरे में बच्चा चोर के साथ एक युवक भी नजर आ रहा था, जो वारदात के बाद गार्डन के बाहर खड़ी सफेद रंग की कार में सवार होकर भाग निकला। जानकारी के अनुसार तानसेन नगर निवासी अरमान कुरेशी की 2 दिन पहले शादी थी। शादी का रिसेप्शन झांसी रोड स्थित एजी ऑफिस पुल के नीचे संगम गार्डन में 10 मार्च को आयोजित किया गया। रात 11 बजे जब स्टेज का कार्यक्रम चल रहा था, तभी दूल्हे की मां स्टेज पर बेटा बहू के साथ फोटो खिंचाने पहुंची। स्टेज पर जाने से पहले महिला ने अपना बैग समीप लगी टेबल पर रख दिया। जब वो फोटो खिंचाकर लौटी तो चेयर पर बैग चोरी हो चुका था। बैग चोरी की घटना के बाद कार्यक्रम में हंगामा खड़ा हो गया। महिला के साथ परिवार के सदस्यों ने बैग की तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। पुलिस को मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के कैमरे चेक किए तो उसमें बच्चा चोर वारदात को अंजाम देता नजर आया। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ये संगम वाटिका में एक चोरी हुई थी, जिसके सीसीटीवी फुटेज निकाले गए। उस आधार पे एक छोटा बच्चा जो है, वो बालक जो है, ये बैग ले जाता हुआ जिसमें कि जेवरात और नकदी थी, बाहर तक आया है और बाहर आके एक गाड़ी में किसी को देता हुआ दिख रहा है। इस पे हम और छानबीन कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्दी हम इस चोरी को निकाल लेंगे।